हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको X6 प्रो फ़ोन है, पोको X6 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट है, तो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट आइकन्स के जरिए पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व करके फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी आप कैसे कर पाएंगे पोको फ़ोन को। तो आज हम बताने वाले हैं कि पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कैसे करें, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम है, तो पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और ऑटो रिस्टार्ट भी आप कैसे कर पाएंगे फ़ोन को, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, देख सकते हैं आप। तो आपको इसमें से जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स पे। एडिशनल सेटिंग्स पे जाते हैं तो आपके पास एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है। तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे जाकर आपके पास एक्सेसिबिलिटी मेन्यू ऑप्शंस भी आ जाएगा, जिसके जरिए आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका पावर बटन ख़राब हो जाता है तो इसके जरिए पावर बटन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और अपने जो भी पावर बटन के जरिए पावर ऑफ करना चाहें या फिर ऑटो रिस्टार्ट करना चाहें फ़ोन को, तो कर सकते हैं। तो इस शॉर्टकट आइकन से जिसको मूव कर सकते हैं, आप इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आइकन आ जाएंगे, जिसमें से आपको पावर आइकन्स पे जाना है और जैसे फ़ोन को रीस्टार्ट करना चाहें तो इस ऑप्शन के जरिए आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। इस पर टैप करके आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। एंड आप इसके जरिए पावर ऑफ करना चाहें तो पावर ऑफ भी कर सकते हैं, एयरप्लेन मोड को भी ऑन कर सकते हैं, एंड आप चाहें तो साइलेंट मोड को भी इसके जरिए ऑन कर पाएंगे और पावर बटन की प्रॉब्लम को भी आप ठीक कर सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए। तो इस ऑप्शन के जरिए पावर बटन की प्रॉब्लम को भी आप ठीक कर सकते हैं पोको X6 प्रो फोन में, आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।